तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए जो मुझे कहते थे भाईजान परिंदे रखे हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई और काम कर लो। तो आज जो वीडियो होगी ना, उसमें उन सबको ये जवाब होगा उन सब लोगों के लिए कि भाई ये टाइम पास नहीं था, मैं व्लॉगिंग कर रहा है। सारे हंसते थे, कमेंट करते हैं भाई व्लॉगर है, ये है वो है। तो लेकिन मैं लगा रहा हूँ, अभी तक लगा रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह लगा रहूँगा। और यूट्यूब पे भी कभी ना कभी इंशाल्लाह हमारे इतने व्यूज़ आया करेंगे कि अर्निंग भी वहाँ से अच्छी खासी शुरू हो जाएगी। बाकी रही यहाँ की बात, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि मेरे पास इस टाइम कितने बच्चे हैं और कितने रुपए के ये होंगे इस टाइम। जो जो बच्चे होंगे ब्रीड जो इस साल मैं सेल करूँगा ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं खुद के साथ चैलेंज करता हूं, एक खुद के साथ चैलेंज रखते हैं कि ये जो बर्ड्स के पैसे आएंगे ना, ये मैं कहीं पे भी और नहीं लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इनसे अब हम एक गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे अब इनके पैसे मेरे पास आते रहेंगे, मैं सारे सेविंग अकाउंट में रखी जाऊँगा अपने, और देखता रहूँगा कि मुझे कितने पैसे आ रहे हैं। जब इनके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, आप व्लॉग देखते रहना, इनके ही पैसों से हम गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह। जब भी ली, अभी मतलब देर है लेकिन जब भी ली इन्हीं के पैसों से। अच्छा, तो अभी जो रिंगनिक की प्राइजेस हर बंदा पूछ रहा है, तो मैं सोचा प्राइजेस भी आपको बता दूं कि भाईजान रिंगनिक का बच्चा जो है मैं 3500 रुपये का एक सेल कर रहा हूं। और जहां पे भी आपको मंगवाना होगा पाकिस्तान में, लोकेशन जो होगी ना उसके हिसाब से किराया होगा। अगर भावलपुर के आसपास है कोई तो 400-500 में किराया होता है, अगर ज़्यादा दूर है कोई तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा मैक्सिमम किराया जो होता है वो इतना लगेगा आप लोगों का। और तरीकाकार ये होगा कि मैं यहाँ से बस पे रखवाऊँगा, अच्छे से उसको पैक करेंगे हम। बॉक्स भी मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छे से बनवाऊँ जिसपे लोगो भी हो एयर बर्ड्स का, और फिर हम यहाँ से बस पे रखवा देंगे। और उनके शहर जो जहाँ से भी आप ऑर्डर करेंगे वहाँ पे आपको सही सलामत जो होगा ना वो बस वाला आपको उस अड्डे तक ले जाएगा, वहाँ से आगे आपने रिसीव कर लेना है उससे, 1000 रुपया उसे किराया दे देना है और रिसीव कर लेना है। और ये मेथड कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और ईजी है, तो सो किसी की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह माफ़ करे अगर कोई कुछ ना कुछ हो जाता या नुकसान हो जाता तो मैं बैठा हूँ आपका भाई, तो आपका नुकसान ही होने देगा, ठीक है। और अभी हम चलते हैं रिंगनिक के अंदर और मैं दिखाता हूँ कि माशाल्लाह कितने बच्चे वगैरह निकले हुए हैं। मैं जी यहाँ पे गंदा आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है, मैं भी यहाँ से छोटे थे या दरवाज़ा जहाँ से एंटर हो, आप लोगों ने वीडियो फुल एंड तक देखे हैं और देख के बताना है कि कितने अंडे और कितने बच्चे हैं। और क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि एक पैरेट मैंने गिफ्ट भी करना है, और इंशाल्लाह आप हर वीडियो पर कमेंट करते रहें, जल्दी मेरी वीडियो भी वायरल हो जाए इस बहाने। और एक पैरेट में वाकई गिफ्ट करना है, जिस दिन सारे बच्चे निकलेंगे ना उस दिन एक पैरेट गिफ्ट करेंगे और तुरंतदाजी टाइप करेंगे हम ऑनलाइन ही बैठ के। मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस लगे हैं, मैं जल्दी जल्दी देखना शुरू करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जी, ये अभी अंडे दिए नहीं है इसने। अच्छा जी, बैठी हुई है लेकिन अंडे दिए नहीं है, ये खाली है अभी। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, यहाँ पे खाली है। यहाँ पर ये अंडे देख सकते हैं आप, 2 अंडे तो कन्फर्म पड़े हैं। हाँ जी, यहाँ पर भी मादी बैठी है, रिंग डला हुआ है इसमें लेकिन अंडे नहीं नजर आ रहे। और हम साइड से करके देखते हैं यहाँ पर, ये जी 2 अंडे दिए हुए हैं इसने, अंडे दे रही होगी अभी, अभी ये दे रही होगी। यहाँ पर हम देखते हैं जी, इस साइड वाली साइड जा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितने अंडे शंडे हैं। हाय 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 हाय, जल्दी जल्दी देखना शुरू करते हैं हम। इसमें खाली है जी, ये भी खाली खाली सही लग रहा है, साइड से खोल के देखते हैं इसे, खाली है। और ये भी खाली सही लग रहा है मुझे, ये भी खाली है। बल्ले, यहाँ पर जी मादी बैठी हुई है अंडों के ऊपर, 5 अंडे दिए हुए हैं इसने, दोनों जोड़ा ही बैठा अंदर पूरा ही। अच्छा जी, और यहाँ पर माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। पापा जी 4 बच्चे जन्म खोल के चेक करते हैं, आई एम सो एक्साइटेड, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और फुल हेल्दी। 1 2 3 ये एक बेबी पकड़ के देखते हैं, माशाल्लाह यार कितना खूबसूरत लग रहा है।
इसको हम यहीं पे रख देते हैं जी। खाली नहीं पड़ा, टूटे हुए अंडे बंद करते हैं और अगली साइड देखते हैं जी। इसको यहाँ पर भी जी दो बच्चे निकले हुए हैं और एक अंडा साथ पड़ा है, उसमें भी बेबी निकलने वाला है माशाल्लाह जी। दो बच्चे निकले हुए हैं, तीसरा बच्चा निकलने वाला, तीन अंडे। हाँ इतने कमाल लग रहे हैं भाई। यहाँ पर मैंने इस साइड वाले सारे बॉक्सेस में दिखा दिया क्या अंडे बच्चे निकले हुए हैं, और अब दूसरी साइड वाली साइड मायूस तो नहीं किया, सात आठ जोड़ों ने अंडे दिए हुए हैं और माशाल्लाह छः सात बच्चे निकल भी आए हैं। और आप हिसाब लगा लें 3500 का एक बच्चा है और कितने निकलेंगे अंदाज़ा लगाते हैं। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये पहले पैरेट देख रहे हैं एक, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इसके अंदर जाने लगे हैं। यहाँ पर एक काजल भी है, वो खतरनाक सी है, बड़ा मारती है जब अंदर जाओ। अल्लाह खैर करे। 12-13 बॉक्स लगे हुए हैं, शोर बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ। माशाल्लाह पाँच अंडे पड़े हैं, ये पिछली दफ़ा इसमें बड़े अंडे थे लेकिन अब खाली है, पता नहीं क्या है, ये भी खाली है, खाली है। यहाँ पर जी अंडे होने चाहिए, यहाँ पर जी अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह। तो देखते हैं हम, ये काजल ने भी चार अंडे दे दिए हैं। ये काजल का घर है, तो काजल आ भी गई है पास। ये देखो जी ये काजल है, ओए ये इसको देख रहे हैं, ये पता नहीं क्या पड़े अंडे। ये देखो जी मारने के लिए आ गया पास, खतरनाक। ये भी खाली है जी, आहा देखते ले आवा। यहाँ पर भी माशाल्लाह अंडे पड़े हैं, ये खाली है यार बड़ा। ओए नहीं, यहाँ पर भी अंडे हैं माशाल्लाह चार। यहाँ पर जी बच्चे निकल आए हैं माशाल्लाह, एक दो तीन चार पांच, पांच बच्चे माशाल्लाह। हाँ अंडा पड़ा है, वो हम उठा के देखते हैं ठीक है या नहीं। वो अंडा खराब है मैंने लग रहा, ये अंडा भी हमने साथ ही रख दिया भाई, वो खाया नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो इसने तो मजे करा दिए, अब इसमें देखते हैं जी अंडे ही पड़े हैं अभी। यहाँ पर इसको देखते हैं अभी, ये भी खा लिया। मुझे लग रहा है कि कॉकटेल के पापा कह रहे हैं कि अंडे दे दिए होंगे, कॉकटेल ने बहुत सारे, तो वो भी चेक कर लो, तो अभी उसको चेक करने चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ये वाला पिजन दिखाऊं, एक सेकंड, अंडे पड़े हैं अभी, इसने बच्चे नहीं निकाले। और यहाँ पर जो वाइट था उसका एक ही बच्चा निकला है, वाइट रही माशाल्लाह। जल्दी जल्दी अंदर जाके ना आपको सारे कॉकटेल है ना हमारे पास, ये एक या दो पेयर पुराना था, बाकी सारे जो पट्ठे हैं हमारे पास पिछले साल के बच्चे, तो ये इस साल पहली दफ़ा ब्रीड करेंगे। तो अब चेक करते हैं कौन कौन से जोड़े जो हैं फुल एडल्ट हो गए हैं, अंडे देना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं चेक। तो उस दिन भी मैंने चेक किए थे, खाली थे। यहाँ पर ये फीमेल बैठ गई है माशाल्लाह, अगर ये हिले तो मैं आपको अंडे शंडे दिखा पाऊँ। अभी अंडे शंडे तो नहीं इसने दिए, इसे निकालने की कोशिश करता हूँ। नहीं पापा अंडे नहीं देते हैं, अगली भी बैठी है अंडे नहीं देते। यहाँ पर जो चार पांच बॉक्स लगे हैं इसमें देते हैं, यहाँ पर भी ये फीमेल बैठी है, ये हिलेगी तो पता चलेगा इसने कुछ अंडे शंडे निकाले हैं। लेकिन ये गुस्से वाले बाहर आ गए। यहाँ पर दो अंडे दिए हुए हैं इसने जी, यहाँ पर जी खाली है ये वाला भी खाली है, ये भी फीमेल बैठी हुई है, अंडे शंडे पता नहीं है। बाकी ये थले मैंने अलहमदिल्ला कोकिल के पांच जोड़े लगे हुए हैं, इस महीने के एंड में इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। ये मुझे उम्मीद है कि हमने रिंग निक के 100 बच्चे तक ले लेने हैं, और बाकी आप अंडे वगैरह और बच्चे वगैरह गिन के बताइएगा मुझे, कमेंट में मैसेज करिएगा कितने हैं।
यार हमारे डव जो है बहुत अच्छी ब्रीड कर रही है, बहुत सारे बच्चे निकाले हुए हैं इसने, तो अगली वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा। और बाकी तीतरों का भी बहुत अच्छा अंडे शंडे देना शुरू हो गए हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।